सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी लोगों का। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीबीएसई का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया था। आज उसका है सेकंड लेक्चर और आज हम लोग इसकी सेकंड एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करेंगे। ये सेवंथ चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम लोग आज पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, पूरी एक्सरसाइज भी की थी। इस बार कुछ नया कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बच्चा बड़ी देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिखा है, ऑब्वियसली आपको ग्राफ दिख रहा है, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन हियर, ठीक है? अब वो क्या कहना चाहता है, देखो। लेट अस रिकॉल द सिचुएशन इन 7.2। सपोज अ टेलीफोन कंपनी वॉन्ट्स टू पोजिशन अ रिले टावर एट पी बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में एक रिले टावर पी लगाना चाहता है, ए और बी के बीच में, ठीक है? इट इज ट्वाइस बी इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज ट्वाइस टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब जितना ये डिस्टेंस है इसका डबल ये डिस्टेंस है। इट विल टेक ए एज द ओरिजिन ओ एंड 1 किलोमीटर एज वन यूनिट ऑन द बोथ ऑन द एक्सिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर गिवन लाइक 36, 15। इन ऑर्डर टू नो द पोजिशन ऑफ टावर वी मस्ट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हाउ डू वी फाइंड दीज कोऑर्डिनेट्स, और हम इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे हमें फाइनली पता चलेंगे, ये हमें चेक करना है। बच्चा पार्टी, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए देखो, आपको जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि टावर लगाना है या इस तरह पोल लगाने हैं। ये अक्सर इसलिए एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि आपको ये समझ में आए कि रियल लाइफ में इन क्वेश्चंस का या इन चीजों का इस्तेमाल होता है। नहीं तो कई बार है ना, कुछ अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग हमेशा यही क्वेश्चन ठोक देते हैं कि हमने जो पढ़ा उसका यूज क्या है। अरे यूज तो बहुत है, तुमको आता नहीं तो कोई क्या करे, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए अगर आप अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो उन लोगों के भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो हमेशा यही कहते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत था लेकिन उसका इस्तेमाल आज तक कैसे होता है ये नहीं समझ में आया, ठीक है? तो ऐसे जनता का हिस्सा ना बने और ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स वाई, जो हम हमेशा करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड बी टू द एक्स एक्सिस मीटिंग इट इन डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। मतलब आपने डी और ई पे जहां पे मिल रहे हैं, ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम आप ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? ड्रॉ पीसी परपेंडिकुलर टू बी, हमने पीसी को इस बी पर परपेंडिकुलर खींचा। परपेंडिकुलर खींचा मतलब 90 डिग्री बनेगा, ठीक है? देन बाय ए सिमेट्री क्राइटेरिया, ए मतलब एंगल एंगल सिमेट्री क्राइटेरियन जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। पीओडी मतलब ये वाला ट्राइंगल, पीओडी विल बी इक्वल टू ये वाला क्या, पीबीसी है ना, या बीपीसी। और अगर दोनों सिमिलर हो गए तो ऑब्वियसली उनके रेशियो भी सेम हो गए, तो रेशियो सेम है और रेशियो 1/2 आ गया जो ऑब्वियसली गिवन नहीं था, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, एक एक्स का वैल्यू है रख दिया हमने, ओडी इज इक्वल टू एक्स, ओडी इज इक्वल टू एक्स, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 36 माइनस एक्स। तो इसलिए उसको 36 माइनस एक्स कर दिया पीसी को। पीसी मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला जितना ये डी रहेगा उतना ही पीसी रहेगा, डन। तो वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया और ये 1/2 रख दिया। तो अब क्या हुआ, द गिवन इक्वेशन गिव एक्स इज इक्वल टू 12 एंड वाई इज इक्वल टू 5। एक्स 12 है और वाई 5 है, मतलब हमें कहां पर, यहां पर 12 और 5 पर ये मिल जाएंगे दोनों भी हिस्से। नाउ लेट अस यूज द अंडरस्टैंडिंग दैट यू मे हैव डेवलप्ड थ्रू दिस एग्जाम्पल टू ऑब्टेन अ जनरल फॉर्मूला। कंसिडर टू पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू एंड एज्यूम दैट पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इंटरनली। मतलब ये कैसा है, देखो समस्या क्या है इसमें, कि अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं और दोनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं या अलग कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? अब देखो इसमें भी सेम सेम है, इसमें भी आप क्या करोगे, ये वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल से सिमिलर दिखाओगे, फिर इनके रेशियो सेम दिखाओगे, फिर इस पॉइंट पे मिलेंगे, ये एक्स वाई की वैल्यू निकाल दोगे। बात समझ में आ रही है? हर बार आपको यही करना है, हर बार आपको यही करना है। देखो सेम वही हुआ, वैल्यू सब्सिट्यूट किया और आंसर फाइनली निकालेंगे। सो दिस विल बी कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला। बेटर है याद कर लो,
याद कर लोगे तो फायदा ये होगा कि आपको बार बार वो झंझट नहीं रहेगी। तो m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे तो वही रहेगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो एक बार x के साथ m1 जाएगा और एक बार y के साथ जाएगा, नीचे वाला तो सेम है। तो कैसे करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। दिस कैन ऑल्सो बी डिराइव बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए पी एंड बी ऑन वाई एक्सिस एंड प्रोसीडिंग्स एज अबव। जैसे देखो, इन द रेशियो इज पी इज डिवाइडेड डिवाइड्स ए बी इज के इज टू आई वन, सॉरी। तो हमने है ना क्या कर दिया, ये एक फॉर्मूला रखी, इफ द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स, ये भी याद रखना, ये नोट कर लेना, ये वाला और ये वाला मैं स्टार बना रहा हूँ, प्लीज इसको नोट कर लेना। तो इफ द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स ए बी इज के इज टू वन, के इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में वन आ रहा है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विल बी दिस, के एक्स टू प्लस एक्स वन, के वाई टू प्लस वाई वन, नीचे वही रहेगा के प्लस वन। नाउ स्पेशल केस, स्पेशल केस बोल ही दिया है तो स्टार बनाना बनता है। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट पी ऑफ द जॉइंट ऑफ द पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू इज, ये भी याद कर लो। अब आप बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़े, करने पड़ेंगे, ये सिंप्लीफाई कर दिया गया है तो बेटर है, ये याद कर लो। द मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, यह हमें पता है। तो द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन इन द रेशियो 1:1, है ना, उस लाइन को 1:1, जैसे ये पूरा लाइन, ये भी हिस्सा वन हो गया तो ये भी हिस्सा वन हो गया, इक्वली डिवाइड, 1:1 मतलब इक्वल डिवाइड कर देता है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो इससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, याद रखना। अभी देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, अभी देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। आपको द रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, मतलब पी आपको गिवन है, कितना दिया है पी 3:1, है ना, तो आपको रेशियो कितना मिला है 3:1, है ना, तो ये हो गया m1 m2, ऐसा मान लो m1 m2। तो क्या हो गया, देखो ये m इंटू x2 मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, देखो वही कर रहे हैं अपन, पहले ये m1 है, m1 3 है और m2 1 है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। और ये इसके लिए आपको m1 y2 प्लस m2 y1 वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए, तो जो आंसर आएगा वो रहेगा उसका रिक्वायर्ड पॉइंट जहां पर एक दूसरे से मिलेंगे वो। एक और एग्जांपल देखिए, इसके बाद सीधे वी विल जंपिंग इनटू द एक्सरसाइज। इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट -46 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 6:10 बी 3-8। ठीक है, व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये व्हाट रेशियो मतलब वो रेशियो हमें बताना है। अब इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है क्या, -4 और 6, मतलब आंसर इन्होंने दे रखा है, मतलब ये हो जाएगा एक्स फाइनल एक्स, ये हो जाएगा फाइनल वाई, जिस पे ये मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका m1 m2 नहीं दिया है ना, उसने बोला ना m1 m2 बताना है, रेशियो हमें बताना है, m1 m2 मतलब रेशियो। तो बस पुट दोज वैल्यूज, ये फॉर्मूला एक साथ यूज कर लो, अगर एक साथ यूज करना है, अलग अलग करना अलग अलग कर लो, क्योंकि ये वाला जो पूरा रहेगा इसके वाया आपको ये 4 निकालना है, और ये वाला जो पूरा रहेगा इसके वाया आपको 6 निकालना है, तो अलग अलग करो। देखो इन्होंने अलग अलग करके ही सॉल्व किया, तो m1 और m2 मतलब दोनों इक्वेशन बनेगी सॉल्व करके, m1 m2 का रेशियो 2:7 आ गया। बस जब m1 और m2 का रेशियो आ गया, यू शुड वेरीफाई द रेशियो। अब आपको जो वैल्यू आई है m1 और m2 की, उसको इक्वेशन में डाल के देखो, आंसर 6 आ गया, जो उनको चाहिए भी था, है ना। देयर फॉर द पॉइंट -46 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6:10 एंड 3-8 इन द रेशियो 2:6, मतलब जो हमने m की वैल्यू रखी, m1 की वैल्यू रखी तो m2 आ गया, m2 की वैल्यू रखते तो m1 आ जाता, तो मतलब जब सॉल्यूशन सही है तभी आ सकता है ना। ठीक है, इन्होंने इसको अल्टरनेटिवली सॉल्व किया है, द रेशियो m m1
रेशियो एम टू कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम वन बाय एम टू इज टू वन, ऑब्वियसली रेशियो कैसे लिख सकते हैं, और के इज टू वन, लेट माइनस फोर सिक्स डिवाइड ए बी इंटरनली इन रेशियो के इज टू वन यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला. हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया सेम तरीके से. अब इस पर हमने क्या किया है, हमने ये माना है कि इफ दे आर सपोज सेम, तो हमने सेम मानेंगे तो के इज टू वन वाला फंडा यूज करेंगे. देखो के प्लस वन ऊपर के इंटू एक्स है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये के इंटू वाई टू माइनस सॉरी वाई टू माइनस वाई वन. ठीक है, वैल्यूज दी हुई है तो बस पुट दोज ऑल वैल्यूज. सॉरी ठीक है, चलिए. सो गाइज नाउ लेट्स जंप इन टू द एक्सरसाइज. ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी दिए हुए ही हैं, एग्जाम्पल तो आप देख भी सकते हो, तो आ जाइए सीधे, लेट्स जंप इन टू द एक्सरसाइज 7.2. 7.2 पे चलिए शुरू करते हैं. सो गाइज पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ माइनस वन सेवन एंड फोर माइनस थ्री इन द रेशियो टू इज टू थ्री. मतलब टू इज टू थ्री मतलब एम वन इज टू एम टू आपको दे दिया है उन्होंने टू इज टू थ्री. ये आपका हो जाएगा एक्स वन, ये हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा वाई टू. तो ऑब्वियसली आप समझ चुके हो, आपको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू दे दिया है, तो आपको निकालना क्या है, पहले एक्स वन पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स आ जाएगा, दूसरे को सॉल्व करोगे तो वाई आ जाएगा. देखो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, जस्ट पुट द वैल्यूज. तो देखो ये आ गया आंसर, एकदम सिंपल है, बता रहा हूं एकदम सिंपल है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू आ गई. सो द रेशियो इज टू इज टू थ्री. ठीक है, बहुत ईजी है, अपन ने ऐसे दो तीन क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा क्विक बता रहा हूं. पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला सिचुएशन रहेगा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोर माइनस वन एंड टू माइनस थ्री. अब हमें कोऑर्डिनेट्स पता करना है ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन का हमें पता करना है. ठीक है, आपको ये एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू ये वैल्यूज आपको दे दी गई है. ठीक है, ये आपको ए दे दिया है यहाँ पे, बी दे दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, हमको क्या करना है, देखो वी वॉन्ट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन है ना. ये हमें जो ट्राई सेक्शन दिया है, वी आर गिवन दैट ए सी ए सी, ये यहाँ पे सी पॉइंट है, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ए एंड बी. ओके, सो ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी. मतलब ये वन इज टू वन इज टू वन के रेशियो पे, क्योंकि तीनों सेम है. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट्स लेट से अपन ने एक्स वन वाई वन बोल दिए, तो डी के क्या हो जाएंगे, एक्स टू वाई टू हो जाएंगे. समझ में? अच्छा, क्लियरली पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी. ए बी को अगर आप सी को देखोगे, सी को देखो तो सी क्या कर रहा है, सी ये वाला वन हिस्सा बचेगा और ये वन ऑफ वन, तो टू, तो वन इज टू टू में डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को. तो सी इज वॉट, सी इज डिवाइडिंग ए ए बी इन टू वन इज टू टू रेशियो, एंड डी क्या कर रहा है, डी टू इज टू वन रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज करके टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी विच डिवाइड्स जॉइन ऑफ फोर माइनस वन एंड माइनस टू माइनस थ्री, जो मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने के लिए, द रेशियो इज वॉट, सी के हिसाब से, सी के हिसाब से किया तो वन इज टू टू हो गया, तो ये एक्स वन और वाई वन आ गया, और जब हम डी के हिसाब से करेंगे तो टू इज टू वन लेके सॉल्व करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. मतलब ये कि तरीका वही है, जब आपने C के अकॉर्डिंग करोगे तो M1 और M2 का रेशियो आप रखोगे 1 इज टू टू, और जब आप D के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो M1 और M2 का जो रेशियो रखोगे वो आप रखोगे 2 इज टू 1. बस रख के X और Y के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, स्कूल कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप्ड है ना स्कूल, ग्राउंड ए बी सी डी लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ईच, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग ए डी. ओके, निहारिका रन 14
of the distance AD and second line and post a green flag. Preeti run 15th of the distance AD on the 8th line and post a red flag. मतलब देखो ये दो बच्चियां दौड़ रही हैं, ये ग्रीन फ्लैग और ये रेड फ्लैग दोनों, एक मुझे तो ये बटरफ्लाई जैसी दिख रही है फोटो, लेकिन दोनों बच्चियां दौड़ रही हैं, ठीक है. What is the distance between both the flag? दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या है? If Rashmi has to spot blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags, what should be her post on post? What should she post her flag? मतलब कहाँ पर वो अपना फ्लैग रखे कि उसको एकदम क्लियर दिखाई दे, ठीक है. तो निहारिका रन 14th of the distance AD on second line. Second line पे निहारिका दौड़ रही है और उसके हाथ में ग्रीन फ्लैग है. देर आर 100 फ्लावर पॉट्स, और इधर है ना, इधर देखो यहाँ 100 फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं. दी आर द फ्लावर पॉट्स. इट मीन्स शी स्टॉप्स एट 25th फ्लावर स्पॉट. ऑब्वियसली अगर वो 14th डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो मतलब वो 25th फ्लावर पॉट के सामने जाके रुक रही है. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर शी स्टॉप इज 2 मीटर एंड 25 मीटर. ऐसे में 2 एक्स एक्सिस पे और ऐसे में 25 मीटर, मतलब वाई एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है. प्रीति रन्स 15th ऑफ द डिस्टेंस एडी इन 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग. देयर आर 100 फ्लावर पॉट. इट मींस शी स्टॉप एट 20th फ्लावर पॉट. और जो क्या नाम है लड़की, क्या नाम था, प्रीत, प्रीत, अब ये प्रीत लड़का भी हो सकता है. तो ये जो दौड़ रहा है ये 20th फ्लावर पॉट के पास जाके रुका. तो क्योंकि ये 8th लाइन में दौड़ रहा है तो x तो उसका 8 हो गया, x इज 8 और जो y है दैट इज 20. बस x और y दोनों की वैल्यू आपने रख दिया, ठीक है. तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर शी स्टॉप आर 8 एंड 20. किसके? प्रीत के. तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हमें x और y की वैल्यू निकल के आ गई. यस और नो? x और y की वैल्यू निकल के आ गई. तो therefore the coordinates of point where Rashmi posts her flag, देखो याद रखना, जब भी हम coordinate points की बात करते हैं तो हम उस point की बात करते हैं जहां पर दोनों साइड, दोनों जो भी साइड, चाहे अभी यहाँ पे दो बच्चे जो दौड़ रहे हैं उनके ऊपर बात हो या जहां पर भी है, वो पॉइंट जहां से दोनों x और y दोनों एक्सेसिबल हो, ठीक है. अपन ने देखा ना वो ज्वाइनिंग पॉइंट, तो ये बेसिकली ज्वाइनिंग पॉइंट है. therefore the coordinates of point where Rashmi posts her flags are 5, 45/2 and 5, 45/2. It means she posts her flag in the 5th line after covering 45/2. मतलब उसको बीच में रखना पड़ेगा. कहां पर? 5th line में रखना पड़ेगा, ना 2 पे ना 8 पे. 2 और 8 के बीच की जो जगह रहेगी वो 5th जगह रहेगी, 5th पोजीशन रहेगी. तो 5th line में उसको कहां पर 45/2 मतलब 22.5 मीटर डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा अपने फ्लैग को, ताकि दोनों को इक्वल पड़े, ठीक है. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6, ठीक है. तो अब देखो, लेट -1, 6 डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज K:1, ठीक है. K:1 लेट से वो पॉइंट है. तो हमको क्या यूज करना है? सेक्शन फॉर्मूला का फंडा लगाना है, ठीक है. सेक्शन फॉर्मूला का फंडा लगाया तो देखो आपको क्या है, -1 देखो तो -3 × 1, क्योंकि आपको K:1 के टर्म्स में सॉल्व करना है. डन. तो आपको एक वैल्यू क्या दिया है, ये m1 m2 है ना बच्चा पार्टी, भूलना मत, ये m1 है ये m2 है. तो ये आपने पहले m1 रख के सॉल्व करो, ठीक है. तो ये हो गया, फिर आप ऐसे सेम m2 रख के सॉल्व करोगे. डन. तो आपको k की वैल्यू आ गई, m1 रखने से ही k की वैल्यू आ गई, क्या है, 2/7. देयरफॉर द रेशियो इज 2/7:1 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 2:7. अरे 2/7:1 और 1 का क्या ही है, कुछ नहीं ना. तो अल्टीमेटली रेशियो इज व्हाट, 2:1. Therefore, -1, 6 divides line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is 2:7. Question number 5 देखिए, find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by
x-axis, also find the coordinates of the point of the division. बच्चों देखो, अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना तो ये चैप्टर भयानक भारी पड़ेगा आपके, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है? आप इसको ऐसे समझो, अभी आपको इजी लग सकता है या हो सकता है ना समझ में आए, अगर फॉर्मूले नहीं समझ रहे हो तो ये आपके सर के ऊपर से जाएंगे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन को देख के आपको गिवन क्या क्या है वो देखना है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगना है वो देखना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है या गिवन ही नहीं फिल्टर कर पाओगे तब तो गई भैंस पानी में, ठीक है? और ऊपर से क्या होगा कि आप है ना ये सोच के अगर देखो कि ये चैप्टर निकाल दिया जाएगा एग्जाम में, ये वो चैप्टर निकाल दिया जाएगा, ये सेक्शन निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आजकल बच्चे क्या देख रहे हैं कि कोविड सिचुएशन चल रही है, जितना कम पढ़ो उतना अच्छा। तो ऐसे में आपको आज नहीं तो कल इसका नुकसान देखो देखना पड़ेगा। तो बेटर है कि समझते चलो, समझ लोगे तुम्हारा फायदा है, नहीं तो फिर जो होगा तो तुम ही जिम्मेदार हो, ठीक है? तो चलिए, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, वी गेट एक्स इज इक्वल टू 1 × 1 + -4 × k, नीचे वही k+1, ये हो गया इक्वेशन वन, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 = 5 के मतलब k इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी जो k इज इक्वल टू 1 आ गया उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो तो देयर फॉर पॉइंट -3/2, 0 ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 - 5 b - 4 5 इन 1:1 रेशियो। तो आपको 1:1 का रेशियो भाई साहब देखने को आसानी से मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ 1:2, 4y, x6 एंड 3y आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। हमको अब क्या करना है, देखो अभी इसको तो पैरेललोग्राम बोल दिया, मतलब आपको चार कॉर्नर्स मिलेंगे, चारों कॉर्नर्स का उसने भाई साहब क्या दे दिया आपको, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स गिवन टू यू, 1, 2, 4y, x6 एंड 3y। ऑब्वियसली इसमें आपको वाई दिख गया होगा, एक्स दिख गया होगा, इन्हीं को हमें कैलकुलेट करना है क्या है ये। तो ये जो गिवन है, वी हैव दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमको पता है। जो पैरेललोग्राम होता है, ना पैरेललोग्राम पता भी है क्या, भूल गए गजनी लोग, ठीक है? तो ये एक लेट से पैरेललोग्राम है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये एक्चुअली एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये हिस्सा इसके बराबर होगा। सो इट मीन्स दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी वुड बी सेम एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मतलब अगर मैं इसको ए बी सी डी बोल देता हूँ, ए बी सी डी, तो जो ए सी के डायगोनल्स का मिड पॉइंट रहेंगे जैसा रहेगा, वैसे बी डी का भी मिड पॉइंट का डायगोनल्स रहेंगे, मतलब बी डी जो डायगोनल है उसके भी मिड पॉइंट नियरली एक जैसे रहेंगे। यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी 1 + x/2, 2 + 6/2, 1 + x/2, 4। डन। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट बी डी विल बी लाइक 4 + 3। देखो क्या आप मिड पॉइंट यूज कर रहे हो, मिड पॉइंट मतलब एवरेज, ठीक है? आप देखो एवरेज निकाल लो, आप कंफ्यूज मत हो जाना। 4 + 3/2, 5 + y/2 है ना, तो 4 + 3 = 7/2, तो ये हो गया है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन वी हैव 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2, मतलब ये वाला इस वाले के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये 4 वाला इस वाले के बराबर होगा। तो बस, तो इससे y आ गया और दूसरे वाले का इस्तेमाल करके x निकाल लिया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हू सेंटर इज 2 - 3, बी इज 1 - सॉरी 1 4। वी वॉन्ट टू फाइंड कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ए बी इज द डायमीटर एंड द कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर आर 2 - 3 एंड कॉर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी आर 1 4। लेट कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर एक्स वाई, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला वी गेट 2 = x + 1/2। सो y इज इक्वल टू सॉरी 4 = x + 1, सो x इज इक्वल टू 3। यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला वी गेट -3 = 4 + y/2,
सो माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर प्लस वाई, सो वाई इज इक्वल टू माइनस टेन. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर माइनस थ्री, सॉरी थ्री माइनस टेन. नेक्स्ट देखो, इफ ए एंड बी आर टू माइनस टू माइनस टू, टू माइनस फोर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी is equal to 3 by 7 AB and P lies on the line segment AB. ये देखो, अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि ये वाला हिस्सा 3 और ये 7 है, ठीक है. AP जो है that is 3 by 7 of AB, तो 3 to 7 का रेशियो हो गया, ठीक है. तो देखो क्या करना है, PB is equal to PB is equal to what, AB minus AP, AB में से AP माइनस करोगे तो PB बचेगा ना, तो सीधी सी बात है. तो और AP कितना है, AP is equal to 3 by 7 AB, तो हमने बस वो वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दिया. तो PB कितना आ गया, PB is equal to, this PB is equal to 4 by 7 AB, है ना, क्लियर है. सो वी हैव AP is to PB is equal to 3 by 4, AP और PB का अगर रेशियो निकालोगे तो हमको 3 by 4 मिलेगा. Now, तो यही जो 3 by 4 हो गया, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, मतलब M1 और M2 हो गया, ऐसा मोल दो, M1 M2 is equal to 3 by 4, ऐसा बस. तो M1 M2, ये देखो पहला वाला जो फॉर्मूला आज अपन ने पढ़ा था, उनको रख दो, तो X के कोऑर्डिनेट्स आ गए और Y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ X एंड Y, डन, परफेक्ट. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए माइनस टू टू एंड बी टू एट इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता भैया, ठीक है. तो ए इज इक्वल टू टू माइनस माइनस टू टू एंड बी इज इक्वल टू टू एंड एट, ठीक है. लेट पी क्यू एंड आर द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू फोर इक्वल पार्ट्स. P, Q और R क्या है, वो पार्ट है जो AB को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो पॉइंट्स है, कह दो, ठीक है. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, X1, Y1, Q के X2, Y2 और R के X3, Y3, ठीक है, ये चारों भी सेम है. इट मींस दैट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB टू 1:3, ऑब्वियसली. अरे अब चार टुकड़ों में करोगे तो एक हिस्सा ऑब्वियसली कितना होगा, एक हिस्सा 1 बाय 4 होगा. अगर हम तीनों से कंपेयर करेंगे तो एक हिस्सा वर्सेस पूरा हिस्सा, तो 1:3 का ही रेशियो बनेगा ना. एक के हिस्से में 25% आया, लेकिन अगर हम हिस्से की दारी की बात करें तो एक के पास अभी एक है, तो बचे हुए तीनों अगर एक साथ हैं तो 1:3 रेशियो है ना. अच्छा, तो सेक्शन फॉर्मूला टू द फाइंड कोऑर्डिनेट्स, ये एक्चुअली वो मिड पॉइंट हो गया, एम वन एम टू हो गया, ये मैं आपको एम वन एम टू बता दू, एम वन एम टू निकाल लिया बस, फिर तो क्या है, मचा दो. तो आप बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट ढूंढ के या रेशियो ढूंढ के M1, M2 निकालो. आपने वैल्यूज रख दी तो X1, Y1 की वैल्यू आ गई, और सिमिलरली आपने दूसरे वाले के लिए यही सेम तरीका कर दिया, क्योंकि दूसरे वाले अगर आप Q के लिए जाओगे, पहले आपने P के लिए गए तो 1:3 का रेशियो था, जब आप Q के लिए जाओगे तो 1:1 का रेशियो रहेगा, है ना. और फिर आप जब R के लिए जाओगे तो रेशियो और छोटा हो जाएगा, वो 3:1 हो जाएगा, समझ रही. देखो ये देखो, जब आप R के लिए जाओगे तो 3:1 रेशियो हो गया, बाकी सेम तरीका है. देखिए टेंथ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3, 0, 4, 5 -1, 4 -2, -1 टेकन इन ऑर्डर. हिंट क्या दिया, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ, अपन को पता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है. अच्छा बच्चा पार्टी, तो लेट ए इज इक्वल टू 3, 0, ये जो दिया हुआ है इन्हीं को ए बी सी डी कर दिया उन्होंने, ठीक है, डायगोनल्स के अकॉर्डिंग. तो ए सी कितना होगा, ए सी मतलब ये ए है और ये सी, तो ए सी के लिए अपन ने निकाल लिया, ए सी विल बी डायगोनल ना, तो 3 और माइनस वन है ना इसके टर्म्स में, तो 3 माइनस वन और 0, 4, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ए सी आ गया, ये बी डी आ गया, ठीक है. तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट, है ना, तो ए सी और बी डी की वैल्यू रख दी, तो आ गया 24 यूनिट्स, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चा पार्टी. सो मुझे पता है कि थोड़ा आपको हो सकता है समझने में टाइम लगे, लेकिन सबसे बड़ा टाइम आपको लग सकता है
अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आई विल रियली सजेस्ट कि आप लोग फॉर्मूले तैयार करो, पूरे फॉर्मूले लिख लो, फिर एक एक क्वेश्चन कर लो, क्योंकि सब क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही थे। तो आई रियली होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।